ये सब कैसे हो गया? पर मैं तो ये सोच रही हूँ आपने होने कैसे दिया। समधन जी मेरी बात का बुरा मत मानना, आप तो उड़ती चिड़िया को बता देती है कि ये किस पेड़ में जाके बैठेगी। फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? ये इतना बड़ा कांड हो गया आपके घर में, आपकी आंखों के सामने वो सज धज के आई और हमारे दामाद जी के गले लग गई। शांति आप चुप रहो, पूछूंगी जरूर। जब उस 56 छुरी को शादी नहीं करनी थी तो ना कर देती, भाड़ में जाए हमारी तरफ से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे दामाद जी के क्यों लिपटा चिपटी करी उसने? शांति जी ये सवाल सौम्या से पूछे, हमसे नहीं, हम तो खुद सकते में हैं। मेरी बच्ची मंगल बिचारी कैसे बर्दाश्त कर रही है ये सब, अपनी छत पे इतना बड़ा पहाड़ धर के गई होगी उस सौम्या को बचाने। बोलिए ना भाभी, सौम्या ने ऐसा क्यों किया? अगर मुझे पसंद नहीं करती थी तो शादी के लिए राजी क्यों? हमने उसे फोर्स तो नहीं किया था ना? पता नहीं क्या संबंध है उसके साथ, वो आदमी मेरा मंगेतर है और मेरी उससे बहुत जल्द शादी होने वाली है। बोलिए ना भाभी, आपको कुछ पता था क्या? मुझे पता था। हाँ मनन जी, मुझे पता था कि वो किसी को पसंद करती है। बस इतना ही पता था कि उस शादी को लेकर मुश्किलें थी, लेकिन जब सौम्य जी ने इस रिश्ते को लेकर तुरंत हाँ कह दिया तो मुझे लगा कि वो लड़की वाला मामला खत्म हो गया है। मुझे आपको बता देना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। नहीं नहीं भाभी, उसने खुद शादी के लिए हाँ की थी, जिसमें आपकी क्या गलती है? और मुझे भी एक पल के लिए नहीं लगा कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। एनीवे, आई थिंक दिस इज डेस्टिनी। अब बस मैं ये चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हाँ मनन जी, माता रानी की कृपा से वो बस जल्दी से ठीक हो जाए। बाकी का आगे क्या सोचे? कहते हैं कि जोड़िया भगवान बनाता है, जो हो अच्छा और जो ना हो और भी अच्छा। मैं मानता हूँ आपकी बात भाभी, लेकिन सौम्या को हमें बता देना चाहिए था ना? यूं अचानक से उसने अदित को गले लगा लिया जैसे अदित ही उसका समझता। पता नहीं मैं ये बात कैसे कहूं, लेकिन आपको भी अजीब लगा होगा ना? मैं शॉक रह गया देखकर, अच्छा नहीं लगा। मनन जी पानी। कहां आज बैंड बाजा बजना था और कहां जिंदगी ने मेरी बैंड बजा दी। रुक जाओ, बजाना बंद करो। आप लोग जाइए यहां से, यहां कोई शादी नहीं हो रही है। मेहरबानी करके अभी आप यहाँ से चले जाइए, आपके पैसे आपको बाद में मिल जाएंगे। जाइए। समधन जी, इन बेचारे बैंड वालों पे चिल्लाने से क्या फायदा? अरे जिसे रोकना था उसे तो रोका नहीं आपने। मेरा इशारा समझ रही है ना मेरा किस तरफ है? अब बताइए, उसे शादी नहीं करनी थी तो ना करती? अगर उसे अपने हाथ की नस काटनी थी तो अपने घर में बैठ के काटती? हमारे दामाद जी के गले क्यों पड़ गई? वो यहाँ मरने आई थी क्या? बताइए आप मुझे। संजीव आप कुछ कहिए शांति जी को, यहाँ हम सब परेशान हैं और वो समझ नहीं रही है, बस बोले ही जा रही है। शांति के बोलने की वजह वही है जो हमारी चुप्पी की है। सबको जवाब चाहिए ना, हम जवाब देंगे, सबको जवाब मिलेगा। हदि जी, सौम्या जी ने क्यों जान देने की कोशिश की?
पता नहीं मंगल, पर अचानक से आपके पास आकर रोई, आपको गले लगाया, क्यों? मंगल मुझे कैसे पता होगा? अच्छा जीजू, आपको नहीं पता? जाने क्या नया रंग दिखाएगी अभी, ये क्रिकेट कहीं मेरा भांडा ना फोड़ दे। देखा क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब वही है, आपके कलीग से ज्यादा है ना वो, फ्रेंड भी है, इतना टाइम स्पेंड करते हैं आप साथ में, ऑफिस में मीटिंग्स एंड ऑल में साथ में जाते हैं ना। इसको क्या हो गया मंगल, ये कैसे बकवास कर रही है, समझाओ अपनी बहन को। दीपिका तुमको कोई जरूरत नहीं है बीच में बोलने की, छोटी हो हद में रहो। देखिए नरेश जी, सौम्या जी का बर्ताव तो बहुत ही अजीब था, क्यों किया उन्होंने ऐसा आपके साथ? क्यों किया? क्योंकि वो मेरे साथ काम करती है इसलिए। और मगर ये जो कुछ भी हुआ है ना, इसकी जिम्मेदार तुम हो, तुम्ही ने बहुत बढ़ चढ़कर उसके लिए लड़का ढूंढने की मुहिम चलाई थी ना। क्या जरूरत थी मंगल तुम्हें शादी की दुकान खोलकर बैठने की? तुम अचानक से इतनी दिलचस्पी क्यों लेने लगी? मेरे जानने वालों की लाइफ में क्यों घुसने लगी तुम? क्या जरूरत थी मंगल उन्हें कंट्रोल करने की? मनन मेरा दोस्त है, सौम्या मेरी कलीग है, बस तुम्हें बीच में घुसना है, टपकना है अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए। जीजू बात तो सौम्या जी के आपको गले लगाने की है ना, आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? देखिए अगर यहां कुछ भी उल्टा सीधा हुआ ना तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। गॉड फॉरबिड अगर सौम्या जी मर गई तो। दीपिका कुछ भी बोले जा रही है, अकल है कि नहीं? ठीक है ईशाना, कुछ लगे या कोई काम हो तो जरूर बताना। हाँ क्या हुआ मालक्ष्मी? शादी कैंसिल हो गई है। What? क्यों? मुझे भी नहीं पता, ईशाना का फोन था, उसने बताया कि वहाँ सौम्या जी को कुछ चोट लगी है और सब लोग हॉस्पिटल लेकर गए। Oh no, I hope वो ठीक हो। लेकिन हुआ क्या है? वही तो माँ, ईशाना को भी नहीं पता है। मैं काम करती हूँ, दीदी को फोन करती हूँ, वो हॉस्पिटल में है, शायद वो कुछ बता पाए। हेलो, हाँ लक्ष्मी। हेलो दीदी, क्या हुआ सौम्या जी को, क्या हो गया? क्या बताऊं, उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की। अरे लेकिन अब तक तो सब कुछ ठीक था, अचानक से क्या हो गया मंगल? मौसी जी नहीं पता, बस इतना पता है कि वो शादी नहीं करना चाहती मनन जी से। शादी नहीं करनी? पर दीदी वो तो खुद ही राजी हो गई थी ना शादी के लिए, और ऐसे कोई जबरदस्ती तो थी नहीं, तो पहले क्यों नहीं बताया उन्होंने? अब इन सवालों के जवाब तो किसी के पास नहीं है लक्ष्मी, उनको होश में आने देते हैं, बस इतना पता है कि वो किसी और से प्यार करती है। किसी और से प्यार? किससे प्यार करती है? Excuse me? लक्ष्मी यहाँ पुलिस आई है, मैं रखती हूँ। ठीक है दीदी, ध्यान रखना। यहाँ सौम्या टंडन के साथ कौन है? हाँ हम हैं। सर बुला रहे हैं आपको, चलिए। जी हम हैं। हम मतलब आपके अलावा आपके साथ और कौन कौन है? मेरी बहन लिपिका और ये मनन जी, सौम्या जी के मंगेतर, और आदित्य।